हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग बिहार स्ट्री टी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग इसे कम्प्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं सुबह ग्यारह बजे पढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल पोर्शन दोपहर का तीन बजे पढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस और रात आठ बजे पढ़ते हैं हम लोग इसका करंट अफेयर तो हम लोग अभी बज रहे हैं ग्यारह तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कंप्यूटर साइंस पर का इसका पढ़ रहे हैं टेक्निकल पोर्शन पढ़ रहे हैं अगर आपको चाहिए इसका पी डी एफ़ तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें मैं पी डी एफ वहाँ हर दिन दे देता हूँ अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आज का सिक्सटी वन से पहला क्वेश्चन क्या है मेरा विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पैकेट टू डिफरेंट नेटवर्क इन सब में से आपको कौन सा डिवाइस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पैकेट को अलग अलग नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हब ऑप्शन नंबर बी राउटर ऑप्शन नंबर सी गेटवे ऑप्शन नंबर डी ब्रिज आपका जो होता है राउटर वो होता है रिस्पॉन्सिबल उसे काम में आपका है आपका पैकेट को ट्रांसफर करना नेटवर्क पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू देखते हैं हम लोग विच डि वाइस फिल्टर डेटा ट्रैफिक एंड कनेक्ट टू डिफरेंट लाइन इसमें से वो कौन सा डिवाइस है जो आपको करता है फिल्टर करता है डेटा ट्रैफिक को उसके अलावा वो दो अलग अलग, अलग लाइन को जोड़ता भी है तो ऑप्शन नंबर ए हब ऑप्शन नंबर बी ब्रिज ऑप्शन नंबर सी राउटर ऑप्शन नंबर डी गेटवे आपको जो होता है ब्रिज इसका काम क्या है इसका काम है आपको दो अलग अलग लैंड नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करना अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री देखते हैं हब ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ ओ मॉडल आपका जो हब होता है जो आपका सेंट्रल डिवाइस है आपका एडिंग टोपोलॉजी के अंदर तो हब आपको किस लेयर पे काम करता है ओ मॉडल के अंदर ऑप्शन नंबर ए फिजिकल लेयर ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर आपका जो हब काम करता है वो फिजिकल लेयर पर काम करता है इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल लेयर अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर देखते हैं रिपीटर ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल आपको जो होता है रिपीटर जिसका आपको काम है आपके सिग्नल का पोटेंशियल बढ़ाना उसको आगे तक दूर तक पहुँचाना तो वो आपको कौन से लेयर पर ऑपरेट होता है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर ऑप्शन नंबर सी फिजिकल लेयर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिजिकल लेयर आपका चाहे आपका हब हो आपका रिपीटर हो वो दोनों को दोनों काम करता है आपके फिजिकल पर काम करता है आपको ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिवाइस किस लेयर पर काम करता है ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो आपको ये आप याद कर लेना है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव देखते हैं हम लोग ब्रिज और टू लेयर स्विच ऑपरेट एट विच लेयर आपको जो होता है ब्रिज और आपका टू लेयर स्विच होता है वो आपको किस लेयर पे ऑपरेट होता है ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल लेयर ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर आपको जो होता है डेटा लिंक लेयर जो होता है जो दो हिस्से में बटा होता है आपका एक मैक मारेप का लॉजिकल लिंक में तो वो आपको क्या होता है आपको ब्रिज और टू लेयर स्विच होता है वो आपको डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है वहाँ काम करते हैं अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स देखते हैं हम लोग राउटर और थ्री स्विच थ्री लेयर स्विच हो गए यहाँ पर राउटर और थ्री लेयर स्विच ऑपरेट एड विच लेयर आपका जो होता है राउटर और आपका जो होता है थ्री लेयर स्विच वो आपको किस ऑपरेट किस लेयर पर काम करते हैं अगर बात करेंगे ओएसआई मॉडल पर तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल लेयर ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर देख इसका आपको हो जाएगा नेटवर्क लेयर इसका आप मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका नेटवर्क लेयर अब देखते हैं आगे बढ़ के हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देखते हैं हम लोग विच डिवाइट ऑपरेट एट फोर ऑल फोर लेयर ये आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आप पूछने जाने का क्वेश्चन है ना कि कौन सा आपको कहाँ काम करता है कौन सा डिवाइस किस लिए काम करता है तो आपका ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांस हाई ही एग्जाम पूछने का कि आपको सारे के सारे लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है ऑप्शन नंबर ए हब ऑप्शन नंबर बी ब्रिज ऑप्शन नंबर सी गेटवे ऑप्शन नंबर डी राउटर आपको जो होता है गेटवे ये आपके सारे के सारे डिवाइस पे काम करता है सारे सारे लेयर पे काम करता है इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सट्री देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज आपको पता है जितना भी टी सी पी आई पी काम करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके थ्रू आपको पूरे नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल भरा हुआ है तो इस सब में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका काम आता है आपको ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को ऑप्शन नंबर है एस एन एम पी ऑप्शन नंबर बी एस एम टी पी ऑप्शन नंबर सी आर पी सी ऑप्शन नंबर डी एफ टी पी आपको जो होता है सिस्टम मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपको जो होता है एस मतलब कि सिस्टम मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका काम यह है कि आपका जो ई है ना उस ई को ट्रांसफ़र करना ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्सटी नाइन देखते हैं विच प्रोटोकॉल यूज फॉर मैपिंग होस्ट नेम एंड ई मेल डेस्टिनेशन टू आप एड्रेस आपको इन सब में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या है मैपिंग करना होस्ट नेम को उसके अलावा ईमेल को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टीसीपी ऑप्शन नंबर बी डीएनएस ऑप्शन नंबर सी एसएचए ऑप्शन नंबर डी एसएनएमपी देखिए इसका आपको हो जाएगा डीएनएस डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको आपको इसका होता है डेटा नेम सिस्टम अप्रॉक्स आपको यही होता है डेटा नहीं आपको डोमेन होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है जो फुल फॉर्म ठीक है देने से काम क्या होता है इसका काम होता है आपका जो डोमेन डू, नेम होता है ना उसको कन्वर्ट करना आई पी एड्रेस में ये कह सकते हैं या फिर से काम होता है मैपिंग करना दोनों इसी का काम है इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का सत्तर देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए कनेक्टिंग डिवाइस अच्छा क्वेश्चन नहीं है बोला आपको इन सब में से कौन से डिवाइस है जो कि कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है कनेक्टिंग डिवाइस मतलब क्या होता है आपका हब होता है ब्रिज हो गया आपका जितना भी होता है गेट हो गया ये सब क्या आपका ये सब आपका कनेक्टिंग डिवाइस है इसमें पूछ रहा है आपका आप क्वेश्चन में इन सब में कौन आपका डिवाइस है जो कि कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है ऑप्शन नंबर ए हब ऑप्शन नंबर बी ब्रिज ऑप्शन नंबर सी ट्रांस रिसीवर ऑप्शन नंबर सी डी राउटर आपका जो होता है ट्रांस रिसीवर ये आपका कोई को तरह का आपको कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है आपका हब हो गया ब्रिज हो गया राउटर हो गया ये सब क्या आपका कनेक्टिंग डिवाइस है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन देखते हैं हम लोग विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू अपलोड और डाउनलोड हम लोग में से हम लोग के पास कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम हम लोग कोई भी इमेज को कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट में तो आप आप, आपको आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस एम टी पी ऑप्शन नंबर बी एफ टी पी ऑप्शन नंबर सी टेलनेट ऑप्शन नंबर डी एस टी टी पी देखिए इसका आपको होता है ऑप्शन नंबर बी एफ टी मतलब क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसको ट्रांसफ़र करना मतलब चाहे आप उसको अपलोड करें चाहे उसको डाउनलोड करें वो दोनों का मतलब आपका ट्रांसफर में ही आता है इसका आपको ऑप्शन नंबर बी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखते हैं हम लोग मॉडर्न वर्कस ऑन विच लेयर ऑफ ओ आपको जो तो मॉडर्न होता है वो आपके ओ लेयर में किस लेयर पर काम करता है आपको पता है उनके मॉडम का काम ये भी है उसको इंक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना लेकिन यहाँ पर पूछते हैं आपको मॉडम कौन से लेयर पर काम करता है तो ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल लेयर ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर आपका जो होता है मॉडर्न वो काम करता है आपके फिजिकल लेयर पे इसका आप हो ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल लेयर पे ये काम करता है मॉडर्न उसके अलावा फिजिकल लेयर पे काम करता है आपका रिपीटर फिजिकल नेटवर्क काम करता है आपका हब तो तीनों को याद कर लीजिएगा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री देखते हैं हम लोग विच वन इज़ द फिजिकल एड्रेस इन द नेटवर्किंग आपका नेटवर्किंग दो एड्रेस ने में बटा हुआ होता है एक का नाम होता है आपका फिजिकल एड्रेस एक का नाम होता है आपका लॉजिकल एड्रेस तो आपका जो होता है फिजिकल एड्रेस उसको हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्किंग के अंदर ऑप्शन नंबर ए आई एड्रेस ऑप्शन नंबर सी मैक एड्रेस ऑप्शन नंबर सी आपका पोर्ट एड्रेस पोर्ट नंबर ऑप्शन नंबर डी सीरियल नंबर आपका जो होता है ना मैक एड्रेस मैक एड्रेस जो कहते हैं हम लोग आपका फिजिकल एड्रेस इसका कोई ऑप्शन नंबर बी आपका नेटवर्किंग दो से हम पटा हुआ होता है एक का नाम होता है मैक एड्रेस एक का एक का नाम होता है आपका बताते हैं और क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस कहते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवेंटी फोर देखते हैं विच वन इज़ द लॉजिकल एड्रेस इन नेटवर्किंग अगर बात करें नेटवर्किंग में लॉजिकल एड्रेस क्या होता है तो वो आपको क्या होता है आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए क्या है आईपी एड्रेस बी क्या आपका मैक एड्रेस सी क्या आपका पोर्ट नंबर और डी क्या आपका सीरियल नंबर इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईपी एड्रेस आपको पता है ना आई का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और मैक का क्या होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल तो दोनों फुल फॉर्म आपको याद रख लीजिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेगा और आपको याद रहेगा तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का सेवेंटी फाइव देखते हैं हम लोग एन आई सी स्टैंड फॉर आपका जो होता है एन आई सी इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क इंटरकनेक्शन कम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क इंटर इंटरनेट कार्ड ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द वर्व एन आई सी का फुल फॉर्म आपको होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अब हम number, 76 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स देखते हैं हम लोग आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स यूजर्स डैश एंड डैट नंबर ऑफ बिट आपका आई पी वी फोर क्या आपका आई पी वी सिक्स के है आपको पता है ना आई पी क्या आई पी एक तरीके का आपको लॉजिकल एड्रेस है ठीक है तो हर सिस्टम का एक आपका एड्रेस होता है तो पहले हम लोग आई पी वी फोर यूज़ करते थे जितना भी आपका लैपटॉप था सिस्टम था लेकिन आपका नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ गया आपको इंटरनेट का तो अब हम लोग उस एड्रेस को आई पी वी सिक्स में लेके आ गए हैं तो आपको बताना है कि आई पी वी सिक्स जो होता है आपका वो कितने बिट का होता है और आई पी वी फोर आपका आई पी वी सिक्स आई पी वी फोर कितने बिट का होता है और आई पी वी सिक्स कितने बिट का होता है तो ऑप्शन नंबर ए आई पी वी फोर आपका होता है एट बिट आई पी वी सिक्स होता है आपको ट्वेंटी एट ऑप्शन नंबर बी बत्तीस बिट और सिक्सटी फोर ऑप्शन नंबर सी एट बिट और वन ट्वेंटी एट ऑप्शन नंबर डी थर्टी टू और वन ट्वेंटी एट आपका जो होता है आई पी वी फोर उसमें आपको होता है बत्तीस बिट आपका हर बिट चाहिए सीमेंट डिवाइड रहता है इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि आपका आई है वो होता है बत्तीस बिट का और आपका आई है वो होता है आपका वन बिट का इसका मान लेते हैं हमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होता है हो जाएगा इसका अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन देखते हैं हम लोग आई पी वी फोर आई पी आई डिवाइड इनटू डैश ब्लॉक आपका आई पी वी फोर में बत्तीस आपका बिट है तो बत्तीस बिट आपके कितने ब्लॉक में डिवाइड है ऑप्शन नंबर ए टू ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी फोर ब्लॉक ऑप्शन नंबर सी आपका एट ब्लॉक ऑप्शन नंबर डी बत्तीस ब्लॉक आपका जो आई पी फोर है ना वो आपको चार ब्लॉक में डिवाइड है इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार ब्लॉक आठ 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 हट करके बत्तीस पूरा हो जाता है अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट देखते हैं विच क्लास ऑफ आई पी एड्रेज इज़ यूज फॉर मल्टी कास्टिंग इन सब में से अब कौन सा क्लास है आपका एड्रेस का जो कि आपको मल्टी कास्टिंग में काम आता है ऑप्शन नंबर ए क्लास ए ऑप्शन नंबर बी क्लास बी ऑप्शन नंबर सी क्लास सी ऑप्शन नंबर डी आपका क्लास डी ऑप्शन नंबर ये आपका क्लास ई। e. इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लास डी आपको जो होता है क्लास डी आईपी एड्रेस वो वो काम आता है किस काम आता है वो काम आता है आपके मल्टी में एक बार मैं पूरा मगर इसका ख़त्म हो जाएगा ना आपको सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंटेंपोर्टेंट हिस्सा बचा रह जाएगा जो मैं दोबारा कराऊंगा आई पी एड्रेस हो जाएगा इसके अलावा आपका स्क्वेल हो जाएगा और कुछ अलग अलग पूरा इन्वेंटर का नाम हो जाएगा तो मैं बाद में उसको अलग से पूरा कराऊंगा या फिर आप, आप कोई अगर कुछ को चाहते हैं अलग से कुछ करना तो वो बोलने में मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा उस पर क्वेश्चन में लेकर आ जाऊँगा अब देखते हैं मैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन देखते हैं विच प्रोटोकॉल असाइन आई पी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट आपके कौन सा आपके पास आई पी आई प्रोटोकॉल है जो आपको असाइन करता है आईपी एड्रेस को किससे क्लाइंट के कनेक्शन से ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन नंबर बी आईपी ऑप्शन नंबर सी आरपीसी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डे डी मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका काम क्या कॉन्फ़िगरेशन करना आपका जो आईपी एड्रेस है उसको क्लाइंट से कनेक्शन का काम किया किसका डी एस सी पी का फुल फॉर्म कैज का इज डायनमिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी देखते हैं हम लोग एट्टी का कह रहे हैं मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज इन इंटरनेट आपके पास जितना प्रोटोकॉल गिवन दिया हुआ है इन सब में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें को हम लोग इंटरनेट यूज करने टाइम यूज़ नहीं करते हैं ऑप्शन नंबर एक एस टी टी पी ऑप्शन नंबर बी डी एस सी पी ऑप्शन नंबर सी डी एन एस ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस क्योंकि हम लोग सारा का सारा यूज़ करते हैं इंटरनेट में ठीक है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी वन देखते हैं हम लोग द फिजिकल लेयर इज़ कनेक्ट इज कंसर्न विथ आपका होता है फिजिकल लेयर उसमें आपका डिलीवरी किस तरह होता है ऑप्शन नंबर ए बिट वाई बिट डिलीवरी ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी ऑप्शन नंबर डी पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी आपका फिजिकल लेयर जो आपका जो होता है उसमें अगर हम लोग कोई भी चीज़ ट्रांसफर करते हैं तो वह वो करते हैं बिट बाई बिट करते हैं इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिट बाई बिट डिलीवरी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी टू देखते हैं हम लोग बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज अनॉग सिग्नल बाई हम लोग बिट को चाहे आपका गाइड मीडिया रहे चाहे आपका अन गाइडेड मीडिया रहे मतलब चाहे आपका वायरलेस रहे चाहे आपका विथ वायर रहे तो उसमें हम लोग अनलॉक सिग्नल भेजते हैं किसकी हेल्प से भेजते हैं ऑप्शन नंबर ए डिजिटल मॉडुलेशन ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड मॉडूलेशन ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन या ऑप्शन नंबर डी फेज मॉडुलेशन हम लोग चाहे वायरलेस में भेजें चाहे हम लोग विद हेल्प हेल्पर वायर भेजें उस दोनों में हम लोग अगर एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं तो हम लोग को चाहिए डिजिटल मॉडुलेशन इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवेंटी थ्री देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाई डेटा लिंक लेयर इन सब में से कौन सा टास्क है जो डेटा लिंक लेयर नहीं करता है ऑप्शन नंबर ए फ्रेमिंग ऑप्शन नंबर बी इर कंट्रोल ऑप्शन नंबर सी फोलो कंट्रोल ऑप्शन नंबर डी चैनल कोडिंग आपका जो होता है फ्रेमिंग या आपका जो होता है इर कंट्रोल आपका जो होता है फोलो कंट्रोल ये तीनों को दोनों करता है आपका डेटा लिंक लेयर अब क्या नहीं करता है तो आपका चैनल कोडिंग नहीं करते है। हैं मान लीजिए पूछ देगा आपको कि इटर कंट्रोल अब कौन सा लेयर हैंडल करता है या फिर आपका हो जाएगा फोलो कंट्रोल आपको कौन सा लेयर हैंडल करता है तो आपको क्या मानना है डेटा लिंक लेयर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर देखते हैं हम लोग द डैश लिंक लेयर द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम डैश एंड इनकैप्सुलेट फ्रॉम इन टू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन आपके पास जो डेटा लिंक लेयर है उसमें पैकेट कहाँ से आता है अब याद है ना फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर उसके बाद क्या आता है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर ऑप्शन नंबर बी फिजिकल लेयर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन लेयर आप पूरा चार को याद कर लीजिएगा कौन लेयर कहाँ कहाँ पर आता है तो पहला आ गया फिजिकल लेयर आ गया फिर आपका हो गया डेटा लिंक लेयर हो गया फिर आपका हो गया नेटवर्क लेयर हो गया तो मतलब कि अगर डेटा लिंक लेयर में पैकेट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है वो आपका वो आ रहा है आपके नेटवर्क लेयर से एट्टी फोर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव देखते हैं द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद डैश ऑफ द डेटा आपको जो होता है नेटवर्क लेर होता है उसमें जो डेटा होता है उसको आपको किससे कंसर्न रहता है डेटा मतलब किस डेटा आपको किस फॉर्म में रहता है ऑप्शन नंबर ए बिट के फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम के फॉर्म में ऑप्शन नंबर सी पैकेट के फॉर्म में ऑप्शन नंबर डी बाइट के फॉर्म में अगर नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो उसमें आपको जो रहेगा डेटा वो रहेगा आपके पैकेट के फॉर्म में जो आपका फ्रेम रहेगा आपको फ्रेम रहेगा आपको डेटा लिंक लेयर में और आपका जो बेटा रहेगा वो आपके रहेगा फिजिकल लेयर में रहेगा तीनों करना है डेटा रहेगा आपको फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में फ्रेम में रहेगा आपका आपका क्या बचेगी आपका फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर रहेगा ठीक है अब देखते हैं हम लोग एट्टी सिक्स देखते हैं हम लोग विच ए वन इज़ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इन सब में से कौन सा फंक्शन नेटवर्क लेयर का नहीं है ऑप्शन नंबर है राउटिंग बी इंटर नेटवर्किंग सी कंजन कंट्रोल और डी एयर कंट्रोल आपको पता है कि एयर कंट्रोल आपका फ्लो कंट्रोल कहाँ होता है आपका होता है वो डेटा लिंक लेयर में होता है तो मतलब कि ये नहीं होगा उसके अलावा राउटिंग हो गया आपका इंटर नेटवर्किंग हो गया आपका कंजेशन कंट्रोल हो गया ये तीनों तीनों आपको काम आता है नेटवर्क लेयर के अंदर अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का एट्टी सेवन देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंगस आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज द नेटवर्किंग इन सब में से कौन सा प्रोटोकॉल आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर आपका जो नेटवर्किंग में काम आते हैं ऑप्शन नंबर ए टी सी पी आर एफ टी पी ऑप्शन नंबर बी यू डी पी और एच टी टी पी ऑप्शन नंबर सी टी सी पी और यू और ऑप्शन नंबर डी एस और एफ देखिए इसका तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आपको टी प्रोटोकॉल आपका यू प्रोटोकॉल देखिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स बताइए कि आप यू का फुल फॉर्म क्या होता है टी को पता होगा आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेकिन आपको यू है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एटी देखते हैं हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए कनेक्टेड इज ए कनेक्शन और प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी यूज़ ए थ्री वे हैंडशेक टू इस्टैब्लिश अ कनेक्शन ऑप्शन नंबर सी रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन आपका जो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो आपको एक तरह का कनेक्टेड ऑरिजिन प्रोटोकॉल भी है ठीक है और वो आपको थ्री वे हैंड शेक इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन के लिए ये भी सही है ऑप्शन नंबर सी क्या है इस्टेब्लिश है डेटा को एप्लीकेशन से एज ए सिंगल स्ट्रीम ये भी सही है इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द मैंशन ठीक है अब देखते हैं हम लोग आज का लास्ट दो क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इथरनेट फ्रेमिंग इज यूज फॉर टी सी पी आई पी एंड डी ई सी नेट आपका इधर आपको पता है ना जो हम यूज करते, है, तो करते हैं इथरनेट वो बहुत अलग अलग टाइप का होता है तो हम लोग टी सी पी आई पी के अंदर कौन सा इथरनेट यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए इथरनेट एट जीरो टू पॉइंट थ्री ऑप्शन नंबर बी इथरनेट 802.2 ऑप्शन नंबर सी इथरनेट हंड्रेड टू ऑप्शन नंबर डी इज इथरनेट स्नैप आपका जो होता है इथरनेट हंड्रेड टू इसको हम यूज करते हैं किसके अंदर टी सी पी आई प्रोटोकॉल के अंदर, अंदर. आपको याद रखना है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का नाइनटी देखते हैं नाइन्टी क्या कह रहा है मेरा इन ए सिमेट्रिक ए ए की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की केप्ट आपका जो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है आपका फाइल को एक तरह का हम लोग ताला मार देना मतलब उसको बाइंड कर देना कि खुद उसको देख नहीं पाए तो आपका ए, सिम, ए की में आपके आपका क्रिस्टोग्राफी में आपका प्राइवेट की किसी पास होता है ऑप्शन नंबर ए सेंडर के पास ऑप्शन नंबर बी रिसीवर के पास ऑप्शन नंबर सी सेंडर एंड रिसीवर के पास ऑप्शन नंबर डी ऑल कनेक्टेड डिवाइस ट्रू द नेटवर्क नहीं इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मतलब कि रिसीवर के पास अगर आप अगर पूछेंगे ना कि सीमेट्रिकी में सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपका की जो रहता है वो किसके पास रहता है तो वो की रहेगा दोनों के पास लेकिन जब बात आएगा ए बात आएगा तो आपका की रहेगा ओनली रिसीवर के पास रहेगा मतलब इसमें आपका दो की रहेगा एक आपको की अलग रहेगा मतलब कि आपको स्टैंडर्ड वर्स की रहेगा वो अलग रहेगा और आपका जो रिसीवर रहेगा उस पास की अलग रहेगा इसका आपको हो ऑप्शन नंबर बी रिसीवर रिसीवर के पास रहेगा आपका प्राइवेट की आज का मेरी वीडियो खत्म होता है मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो शेयर करें और मेरे ज्वाइन कर लें थैंक यू वेरी मच